ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के जरिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई, तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राजी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलाइडा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए और सिर्फ चार फीसद मुसलमान जीत कर आते हैं। सर संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए, मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिजब इख्तलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर निस्तो नाबूद कर दिया, हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान के दुकान को लूट लिया गया। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है नौजवानों के लिए कि तुम इसराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फोडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर सके। इसराइल को 27 टन हथियार जा रहा है, 9 मिलियन भारत के लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या असर पड़ेगा? 47,000 इसराइली फलस्तीनी मार चुके हैं। क्या है हमारी पॉलिसी सर, क्यों हथियार दे रहे हैं? सर मैं अपनी तकरीर को टीपू सुल्तान के नजर कर रहा हूं, ये टीपू सुल्तान की फोटो है, क्या आप इससे भी नफरत करेंगे? सर ये संविधान में टीपू सुल्तान की फोटो है जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने साइन किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया, ये आपकी नफरत है।